निजर जौन पिपासा मेटाइबा प्रथमे नाबालक सहित अप्राकृतिक संपर्क आउ एही कारनामा लोकलोचन को आसीबा भयरे पीड़ित को गोला काटी हत्या करथिला अभियुक्त। जगतपुर अंतर्गत पूर्व कछरी होइथिबा नाबालक हत्याकांड घटना उपरु पुलिस पर्दा उठाइबा सहित एही जघन्य हत्याकांड पछरी एही कारण थिबा स्पष्ट करिछि। तबे पुलिस तदंत को एबि चालू रखिथिबा कहिबा सहित आवश्यक पड़िले हत्याकारी को रिमांड रे अणाजिबो बोली कहिछि पुलिस। सूचना अनुसारी जगतपुर पूर्व कच्छ नाबालक हत्याकांड घटनार 9 दिन परे जगतपुर पुलिस को मिली सफलता। एही विभस कांडर पर्दाफाश करने सहित हत्याकारी जोगेन्द्र पंडा को गिरफ्त करी तदंतकारी दल ता निकटर हत्याकांड में व्यवहृत काठ बीट रक्तभिजा गामुछा और धारुआ दा को जबत करी पुलिस। जोगेन्द्र जड़े निशासक्त युवक से तार जौन लालसा को पूरण करने पीड़ित को टार्गेट कर हत्याकांड पूर्वरु से पूर्व कछरे परित्यक्त घरे सहित अप्राकृतिक जौन संपर्क रखी घटना दिन पीड़ित एही कथा तार बापा को कहिदेव बोली कहिबारु से भयग्रस्त होई एही कांड घटाई तदंतरु सामना को आसी गोटे सेंसेशनल मर्डर केस हेतला जोठी 12 वर्षर गोटे स्कूल गोइंग पिला ताकु अति विभर्ष भाबरे हत्या करा जायतिला एवं ता बॉडीटा को गोटे आइसोलेटेड जगार थोपाड़ी दि जाइला फेंगी दि जा संक्रांत 17 तारीख दिन पागा आउटपोस्ट जोटा जगतपुर अंतर्गत से आमको गोटे खबर आसला कि अभियोगकारी महेश्वर बेहरा से अभियोग धरिकी आसिले एवं पागा फांडी अभियोग कले पुतरा नेफ्यू जे कि जार वर्ष 12 वर्ष जेहेतु से माइनर आमे तांको नाम गोपन रखुचु तांको विभत्स भाव में हत्या करा जाएची बेक काटी एवं तांको गोटे डिलापिटेटेड जगार फिंगी दिया जाएची। से संक्रांत में इमिडिएटली जगतपुर पुलिस स्टेशन गोटे मामला रुजु करथिला जगतपुर पीएस केस नंबर 630 डेटेड 17/12/2023 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी जेहेतु ये मामला गोटे स्पर्शकतार मामला थिला छोट छुआ को अति निर्मम भाव में बेक काटी हत्या करा जायतिला। इमिडिएटली आम सीनियर ऑफिसर्स एसीपी जोन वन को नेतृत्व में गोटे स्पेशल टीम गठन कराइला जो स्पेशल स्क्वाड रो टीम मेंबर्स भी सेठे सामिल थिले एवं समस्त गोटे मिलित प्रयास बहुत परिश्रम कर अहरह चेष्टा कराइला जे एही केसटा को अति शीघ्र डिटेक्शन करने केस रो इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराइला प्रथम साइंटिफिक टीम बा फोरेंसिक टीम तांकर इम्पोर्टेंट एविडेंस फिजिकल एविडेंस से स्पॉट रु कलेक्शन करथिले से एविडेंस कलेक्शन कलापर आम परवर्ती दिन आउरी से जगह स्पॉट विजिट कराइला ताकु थोरो सर्च करा आम पुलिस टीम आम इन्वेस्टिगेटिंग टीम आउ गोटे स्पॉट ठाब करथिला जोटी प्रथम से पिला को प्रथम हत्या करा जाइछि तापर ताको अन्य जगह नहीं कि ताको फोपड़ा जाइछि सेही स्पॉट रु मध्य फॉरेंसिक टीम इम्पोर्टेंट फिजिकल एविडेंस कलेक्शन करथिले एवं विभिन्न डायरेक्शन रे आम केसटा को तर्जमा करथिलु एवं इन्वेस्टिगेशन जारी रखिथिलु। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आम इन्वेस्टिगेटिंग टीम जानिबा को पाइला जे इटी जे केस ऑफ मर्डर फॉर द डिमांड ऑफ अननेचुरल सेक्स अप्राकृतिक जौन संबंध रो मध्य एविडेंस हमको मिलिथिला। पुलिस पई एही घटना रो पर्दाफाश करबा बेस आह्वानपूर्ण थी काहे कि ना पीड़ित रो वयस मात्र 12 वर्ष थिला से किंबा ता परिवार सदस्य कहार शत्रु मध्ये नथिले ए परिस्थिति रे किए ओ काहे कि ताको हत्या कले ता जानिबा जरूरी होई पड़ीथिला पुलिस पई। हत्याकांड परे अभियुक्त शव को आनी 50 मीटर दूररी पकाई दिथिला तेबे तदंतरे परित्यक्त घर ठाबा हेबा परे गोटी परे गोटी सत सामना को आसिबो बोली कहिचंती तदंतकारी अधिकारी। से भयभीत हेकि घर पळैछि से पिला आग्रु मध्य एमिति नजर अछि से ता बापा ताको आकट करिवार एवं से घर छाड़ी नियर बाय विलेजेस रे से बुलुथला बुलुथाय
ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମିତି ତା ଘରୁ କିଛି ଦୂର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଠି ସେ ଯାଇକରି ବସିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପିଲା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ତା କନଫେସନରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କନଫେସ କରିଛି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଏଣ୍ଟାଇଜ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଇନ ଫ୍ୟୁ ଅକେଜନ୍ସ କିଛି ଥର ସେ ସେଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା। ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେ ପିଲାଟି ୱାଜ୍ ଲେକିଂ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ତାଙ୍କ ବାପା ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ହାର୍ସଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ହୁଏତ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଡରିଥିବ ତା ବାପାକୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇ ନଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମାନସିକ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାର ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବନା, ସେଇଟା ସେ ଏଇ ପିଲା ସହିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଇଜ କରିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ତା ବାପାର କେୟାର ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେ କେୟାର ଆଉ ଏଫେକ୍ସନ ସେ ପାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଦେଇ ତାକୁ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଇଜ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବିଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି, ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାକୁ ଜାଣିଛି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଏହି ନାବାଳକ ସହିତ ଏପରି କରିଛି ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାବାଳିକା ବା ନାବାଳକ ତା ଯୌନ ଲାଳସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କଟକରୁ ଆରିଫ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।